So hi, welcome to all of you to UPSC CSE Quest. स्वागत है आप सभी का. चलिए. So please download Unacademy learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ पे आपको प्रोवाइड होंगी डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, क्विजेस और अनलिमिटेड एक्सेस बहुत सारी ऑसम वीडियोस का. सो प्लीज डाउनलोड अनअकैडमी लर्निंग ऐप. दिस इज ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ आलोक कुमार पाठक, हैविंग टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन करंट अफेयर एंड GS. सो अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर जो आपके एम यूपीएससी को पूरा करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं. अनअकैडमी प्रोवाइड करता है आपको 15,000 प्लस कोर्सेज इन यूपीएससी सीएससी कैटेगरी, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हो या फिर आपका ऑप्शनल आंसर राइटिंग ही क्यों ना हो. चलिए हम बात करते हैं अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर शेड्यूल. और इन सभी को आप पा पाएंगे मात्र 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 44,000 रुपीज. और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको पड़ेगा केवल 39,600 रुपीज़ का. एंड सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है उसकी कॉस्ट है 64,000 रुपीज़. और अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का. चलिए अब हम बात करते हैं अनअकैडमी पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में. सो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये एक मेंटरशिप का सेशन है, प्रोग्राम है जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपकी पूरी तैयारी जो है बहुत ज़्यादा ऑसम एकदम जबरदस्त बन जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा पर्सनल कोच, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और पर्सनलाइज फीडबैक. सो 12 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 64,000 रुपीज़ का. बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको पड़ेगा 57,600 रुपीज़ का. सेम उसी तरीके से 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको पड़ेगा 99,000 रुपीज़ का. बट अगर आप उस पर आलोक वाईटी यानी जो कि मेरा कोड है उसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको पड़ेगा 89,100 रुपीज़ का. ध्यान रखिएगा आप इसे चाहें तो EMI पे भी ले सकते हैं 12-24 महीने की. ठीक है, चलिए. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको स्पेशल क्लासेस मिलेंगी, सब्सक्रिप्शन क्लासेस मिलेंगी. जैसे ही आप ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन तो आप इन सभी क्लासेस का और सब लेक्चर्स का फायदा उठा पाएंगे और अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन कर पाएंगे. सो लेट्स क्रैक इट. और हम करने जा रहे हैं अपना फुल मॉक नंबर 4. 3 मॉक हम कर चुके हैं, ये हमारा 4th मॉक है. और अब से हम ये सीरीज रखा करेंगे कि हम सैटरडे संडे एक दिन तो फिक्स एक पूरा फुल मॉक रखेंगे. ठीक है, ताकि आप लोग इन्हें देते रहें और इसमें बेहतरीन होते रहें. चलिए. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, चलिए पढ़िए. और आपको क्या करना है, अपने सामने एक नोटबुक रखनी है सबसे पहले. उस नोटबुक में आप क्वेश्चन नंबर लिखें 1, 2, 3, 4. और अगर आप उसे अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम में तो उसके आगे ए लिखें, जो भी आपका ऑप्शन हो 1, 2, 3 जो भी है. और अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो उसे वहाँ पे स्किप जरूर कर दें अपने OMR में, बट यहाँ पे उसे जरूर सॉल्व करें. ठीक है, चलिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कर लिया सॉल्व आप लोगों ने.
सो कोई अटेम्प्ट नहीं कर रहा इसको क्या? चलो, सो करेक्ट आंसर विल बी 3, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है इनफ्लेक्स इंडेक्स बॉन्ड, और ये ध्यान रखिएगा इस साल के लिए, इस बार की पीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफ्लेक्स इंडेक्स बॉन्ड, ठीक है? चलो चलिए जवाब दीजिए इसका। सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए आपका इनफ्लेक्स इंडेक्स बॉन्ड, इसे भी स्किप कर रहे हैं क्या आप लोग? चलिए, सो करेक्ट आंसर विल बी आपका होगा 2, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। चलिए, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट एन्युलिटी मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए तो आप लोग एटलीस्ट आंसर जरूर दें, ठीक है? भले उसे अपने OMR में ना भरें, बट एटलीस्ट आंसर जरूर दें उसका, ताकि यहाँ पे पता चले कि आपका, आपके दिमाग में चल क्या रहा है क्वेश्चन को लेकर। शीनू आकांक्षा, चलिए सो करेक्ट आंसर होगा यहां पे आपका 2, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग और देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन अब आपके सामने है, पेमेंट बैंक से रिलेटेड, ठीक है? चलिए चलिए, सो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पे 4, ठीक है? चलिए यानी ओनली पी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, फिफ्थ क्वेश्चन,
चलिए So your correct answer will be 4, ठीक है, यानी आपका all of the above जो है वो होगा इसका correct answer. चलिए और आपको answer 1, 2, 3, 4 में देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलिए next question number है, 6th question number. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 7. करेक्ट आंसर होगा आपका 4, ठीक है. चलिए इंटीरियर ऑफ अर्थ, और इसके बारे में हम लोगों ने काफी डिटेल में अपनी फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस में इसे खत्म किया हुआ है. चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फिजिकल ज्योग्राफी लैंडफॉर्म का ही क्वेश्चन है, ठीक है. सॉरी एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है. बहुत अच्छे, डन. सो करेक्ट आंसर विल बी 4, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया.
चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे नाइन्थ में, थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दसवा। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके यहाँ पे दसवें का, वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ग्यारहवां क्वेश्चन है, चलिए पढ़िए। चलिए सो करेक्ट आंसर यहां पे आपका हो जाएगा क्या, थ्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बारहवां क्वेश्चन। चलिए शिवनु बहुत अच्छे, चलो बहुत बढ़िया, द करेक्ट आंसर विल बी वन। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है, रॉन्ग ऑप्शन पूछा है आपसे। चलिए
सो द करेक्ट आंसर विल बी 3. बहुत अच्छे शिनु. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. बहुत बढ़िया. चलो तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा. चलिए नेक्स्ट 15th क्वेश्चन आ जाइए. कोई बात नहीं शिनू, जा सकते हो अगर पास है तो. कोई इशू नहीं है शिनू. चलिए करेक्ट आंसर विल बी 1. ठीक है. सो इंटीरियर ऑफ अर्थ हमने पढ़ा ही था अच्छे से पूरा का पूरा. चलो चलिए बहुत बढ़िया. बट करेक्ट आंसर आपका क्या है? 3. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वालिटी.
चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 18वें का क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट बताना है। आंसर क्या होगा आपका यहां पे, करेक्ट आंसर विल बी 4, ठीक है, सारी की सारी गलत। चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पे आपका 20वें का 1 होगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, चलो करेक्ट आंसर क्या होगा 21 का आपका 2 विल बी द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर होगा आपका 3, ठीक है, नन।
सारे सही हैं। चलो नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर होगा आपका 2 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट 24th क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 1। ठीक है चलो नेक्स्ट 25th क्वेश्चन नंबर। चलिए करेक्ट आंसर 25th का क्या है आपका 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर पे 26th क्वेश्चन नंबर। करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27।
चलिए करेक्ट आंसर आपका है टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। सो द करेक्ट आंसर विल बी वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया। फोर करेक्ट आंसर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत बढ़िया। इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट। चलिए ध्यान दें, कृपया करके ध्यान दें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 32। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बट करेक्ट आंसर विल बी वन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्टी थ्री। Thank you.
चलिए बहुत बढ़िया. सो करेक्ट आंसर विल बी थ्री. थ्री विल बी द करेक्ट आंसर. उड़ीसा में है नंदकन्नन. ठीक है चलो, सारे स्टैटिक क्वेश्चन हैं. ठीक है चलो नेक्स्ट आगे आ जाइए. बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट 35th क्वेश्चन. चलो 35th का करेक्ट आंसर होगा हमारा वन 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 वन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36. चलो चलिए बहुत बढ़िया. बहुत सही बहुत सही. चलो नेक्स्ट 37 क्वेश्चन नंबर. चलिए बहुत बढ़िया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत अच्छा रूपाली बहुत बढ़िया. चलिए तो मार्क्स जितने भी एक मार्क हैं आपके BIS मार्क हैं इन सबके बारे में थोड़ा पढ़ें अच्छे से. ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए
सो 39 क्वेश्चन नंबर, और करेक्ट आंसर होगा आपका 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40 क्वेश्चन नंबर। ये पूरे मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में आपको सारी ट्राइब्स कराई थी, चाहे पुष्पन हो, बंदीपू हो, या आपका बेदोइन हो, बेदोइन। चलिए सो करेक्ट आंसर विल बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे रिचा। चलिए तो करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। चलो द करेक्ट आंसर विल बी 1। ठीक है, इनकरेक्ट बताना था, आप लोगों ने करेक्ट बता डाला, ध्यान दे थोड़ा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बहुत बढ़िया, बट करेक्ट आंसर विल बी 2। ठीक है, दोनों के दोनों तकरीबन सही है। हाँ, कैन नॉट बी, रुकिए, हाँ सही है, आंसर सही है आप लोगों का, बी वाला गलत ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए सही आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। चलिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट नेशनलाइजेशन जैसे पूछे गए हैं लगातार क्वेश्चन,
तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलो, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, वन, ठीक है, बहुत सही। बहुत अच्छे रिचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, इनकरेक्ट बताना है। चलिए, मतलब थ्री आपका कहना है, करेक्ट आंसर विल बी टू, ठीक है, 15 से 9, और रेशियो डिपेंडेंट वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज टू द पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो आंसर था आपका, हाँ तो सही है, ऑल ऑफ द अबव ही होना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए, मेंशन है यहाँ पे, ठीक है, इन सम केसेस है। चलो चलिए, 45th क्वेश्चन नंबर, तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या होगा आपका, टू, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन 46, तो चलिए 46 तो ये थोड़ा खराब हो गया, करेक्ट आंसर इसका 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 47th क्वेश्चन नंबर पे, बहुत बढ़िया है। सो 47 का आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट विल बी 4, एकदम सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिटेरेनियन लैंड, मेडिटेरेनियन लैंड से रिलेटेड है, ठीक है, और जितने पॉइंट इसमें दिए हैं सारे बहुत बेहतरीन पॉइंट है आपके लिए, ठीक है।
और असल में इससे वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमें आगे चल के जो क्लाइमेटिक रीजन करने हैं, ठीक है, वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन, तो वहाँ पे असल में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में इसे करेंगे अलग से, ठीक है, वो फिजिकल ज्योग्राफी में भी हम लोग करेंगे और उसके साथ में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी करेंगे, क्योंकि दोनों जगह इंटरलिंक्ड रहता है ये, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। सो करेक्ट आंसर आपका होगा 3, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, लैंड सिस्टम अलग अलग तरीके की। चलिए, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही हैं नॉर्मली, ठीक है, और उसमें नॉर्मल टर्म्स जो होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जैसे करंट फैलो क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है, परमानेंट पास्चर्स क्या होते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ों को किसी भी तरीके से घुमा देगा और आपको नहीं पता होगा कि इनकी भावनाएं क्या कहती हैं, तो फिर खेल खत्म, ठीक है। चलिए, सो द करेक्ट आंसर विल बी 1, ठीक है। चलिए, परमानेंट एंड करंट फैलो। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वें क्वेश्चन पे आ गए, तो आधा मार्क हमारा खत्म होता है। और अब ये है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर, आउटपोर्ट क्या होते हैं, पॉकेट स्टेशन, फेरी पोर्ट क्या होते हैं, एंट्री पोर्ट क्या होते हैं, पोर्ट्स, बंदरगाह जहां पे बंदर्स को बांधा जाता है, चलिए बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर होगा आपका 3, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्टेड सेटलमेंट्स, एनसीईआरटी 12th, ठीक है। चलो, तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, आपका करेक्ट आंसर होगा सभी। चलो, नेक्स्ट आपको बताना है इनकरेक्ट। करेक्ट आंसर होगा आपका यहां पे 2, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए करेक्ट आंसर होगा आपका 3। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का करेक्ट आंसर होगा आपका 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आते हैं 55th क्वेश्चन नंबर पे। करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहां पे 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। करेक्ट आंसर विल बी आपका होगा यहां पे 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है पीसा एक्ट 1966। चलो करेक्ट आंसर होगा आपका यहां पे 4 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th कॉन्स्टिट्यूशनल 9th पार्ट
कॉन्स्टिट्यूशन कंपलसरी प्रोविजंस। तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे दो है, दो प्रोविजन है, एक तो कंपलसरी है ठीक है जो मानना मानना है, और एक डिस्क्रिशनरी है मानना मन करे मानना है, पंचायत को नहीं मन करे तो ना माने। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है तो उसे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत आराम से आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आपका, नेक्स्ट आंसर क्या होगा इसका, आंसर विल बी वन ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 57th क्वेश्चन नंबर। चलो सो 57 करेक्ट आंसर विल बी 4 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 58 सिंपल क्लोजर, कंगारू क्लोजर और बुलेटिन ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्लोजर, टाइप्स ऑफ ग्रांट्स जितनी भी हैं उनको बहुत अच्छे से नोट्स बना के रखें और उन्हें हमेशा एग्जाम से पहले तो जरूर रिवाइज करें। जी टेक जी बताइए, प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर सकते? आराम से अफोर्ड कर सकते हो यार, देखो ईएमआई का ऑप्शन दिया हुआ है अनअकैडमी में, आप आराम से उसे ईएमआई पे ले सकते हैं ठीक है। और उसके लिए आप अगर उस पर मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे आलोक वाईटी ठीक है, क्या कोड इस्तेमाल करेंगे आप, आलोक वाईटी कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% तक का ऑफ भी मिलेगा उस पर। सो EMI का ऑप्शन आपको पहले से ही अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है और वो भी नो कॉस्ट EMI पे। अगर आप HDFC का कार्ड यूज़ करेंगे या अपने किसी फ्रेंड या किसी जानकार से HDFC के कार्ड से ले सकते हैं तो हार्डली आपको जो मंथली EMI है वो आपको 3-4 हज़ार रुपये हार्डली पड़ती है, वो भी साल और 2 साल के कोर्स की। तो इससे ज़्यादा बेस्ट मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होगा। चलिए सो करेक्ट आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 एडजॉइनमेंट मोशन। हेलो शीनो, हो गई क्लास? चलिए सो एडजॉइनमेंट मोशन, मैंने कहा जितने भी तरीके के मोशंस हैं, क्लोजर्स हैं ठीक है, रेजोल्यूशन है, ये सब आपको अच्छे से करने हैं ठीक है। चलो सो बहुत अच्छे, आते ही जवाब दिया, करेक्ट आंसर विल बी 2 बट ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन सेंसेस से रिलेटेड, रिसेंटली अभी सेंसेस बिल्डिंग और बाकी सब चीज़ों के लिए हुआ ही था, सॉरी एक मिनट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, करेक्ट आंसर है 59 का 4, बहुत अच्छे शिनू। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर विल बी आपका होगा क्या, 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं 61 क्वेश्चन नंबर, आर्टिकल नंबर 75। चलिए नहीं, एक खत्म कहाँ हुआ है, वही वाला चल रहा है मॉक, अभी 2 घंटे का तो मॉक चलेगा ही मिनिमम, उससे कम टाइम में तो किसी भी हाल में पॉसिबल नहीं है। अभी तो ये मॉक हम बिना डिस्कशन के लिए रख रहे हैं, ठीक है, और आफ्टर अभी जो प्रीलिम्स हो जाएगा हमारा, उसके बाद हम लोग वीकली मॉक रखेंगे विद डिस्कशन, पूरी डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक क्वेश्चन की, ठीक है, वो लंबे रहेंगे बट हम उन्हें करेंगे ज़रूर। चलो तो 61 का करेक्ट आंसर होगा आपका 2। चलिए नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर, अहमदनगर बीजापुर गोलकुंडा विजयनगर एम्पायर के साथ झगड़ा, बनीहट्टी तालीकोटा युद्ध, नेक्स्ट 63 क्वेश्चन नंबर,
चलिए, सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, हु विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 64th क्वेश्चन नंबर, चलो, सो करेक्ट आंसर विल बी वन आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट 64th क्वेश्चन नंबर, चलिए तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पे फोर विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे शीनू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 65th, चलिए करेक्ट आंसर विल बी आपका होगा क्या 65th का, टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 66th क्वेश्चन नंबर, चलिए सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, बहुत अच्छे शीनो। चलो
नेक्स्ट सॉरी फोर्थ, इसका आंसर क्या होगा आपका, फोर विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 68 क्वेश्चन नंबर, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर विल बी वन। ठीक है चल नेक्स्ट 69th क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर होगा आपका टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 70 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी आपका होगा टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 71 क्वेश्चन नंबर, महेंद्र वर्मन ऐसे ही इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन एक आया हुआ था, ठीक है 2014-15 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया शिनू, चलिए नेक्स्ट भीमबेटका और लखुदियार पेंटिंग्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी इसका वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 73rd क्वेश्चन नंबर, Thank you.
चलिए, सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे, फोर विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे शिनू। नेक्स्ट 74th क्वेश्चन नंबर, शिनू जाने दो, आप अपना आंसर दो। चलो, सो 74th का आंसर क्या होगा आपका, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट 75th क्वेश्चन नंबर, चलिए करेक्ट आंसर विल बी 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ 76th क्वेश्चन नंबर, ठीक है, चलो थोड़ा आराम से कर लेते हैं। मुझे लगा आपने कहा सर जल्दी, तो मुझे लगा कि आपने कहा कि जल्दी जल्दी कराओ। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेक्ट आंसर क्या है, 4 ही है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट 77th क्वेश्चन नंबर, चलिए नेक्स्ट करेक्ट आंसर विल बी 1। नेक्स्ट है 78th क्वेश्चन नंबर, चलिए Thank you.
चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सर इसका, थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पे, फोर विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 80 क्वेश्चन नंबर 80 पे आ गए हम लोग। चलो करेक्ट आंसर विल बी टू। ठीक है, चलो नेक्स्ट 81 क्वेश्चन नंबर। चलिए सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, वन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 82 क्वेश्चन है, इलेक्शन पिटीशन। चलो तो करेक्ट आंसर विल बी फोर। ठीक है, नेक्स्ट 83 क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट 83 के बाद आता है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 83 का आपका थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है 84 क्वेश्चन नंबर।
बहुत अच्छे शिनो। चलिए 25 का करेक्ट आंसर होगा आपका, दैट विल बी 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग 85th क्वेश्चन नंबर पे। चलिए, सो अटर्नी जनरल रिसेंटली न्यूज में ही थे, ठीक है, इस साल पीटी में क्वेश्चन बन सकता है अटर्नी जनरल के ऊपर। बहुत अच्छी सीन हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 86th क्वेश्चन नंबर। चलिए बहुत बढ़िया शिमला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, चलिए इंटरस्टेट काउंसिल नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर। चलो तो करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, नेक्स्ट 88 क्वेश्चन नंबर। चलिए तो करेक्ट आंसर विल बी 2। नेक्स्ट 89 क्वेश्चन नंबर। बहुत अच्छे शिनू, करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन नंबर, लीगल टेंडर इकॉनमी
चलिए नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट करेक्ट आंसर होगा इसका टू विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 92 क्वेश्चन नंबर। चलिए नेक्स्ट करेक्ट आंसर विल बी टू। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर। The correct answer will be two will be the correct answer. चलिए next 94 question number। करेक्ट आंसर विल बी वन। नेक्स्ट 95th क्वेश्चन नंबर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। नाइंटी का आंसर शिनू वन। ठीक है वन विल बी द करेक्ट आंसर 90। चलिए 95 पे थे हम लोग। 94 का करेक्ट आंसर वन और 95 का करेक्ट आंसर क्या है हमारा इसका भी बोथ होगा इसका। ठीक है चलिए इसका क्या होगा बोथ। नेक्स्ट 96 क्वेश्चन नंबर।
चलिए, सो करेक्ट आंसर होगा 96 का आपका, 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट 96 क्वेश्चन नंबर। चलो सो करेक्ट आंसर विल बी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। नाइन्टी का आंसर 1 है शीनू। चलो करेक्ट आंसर विल बी 3। चलिए नेक्स्ट 98 क्वेश्चन नंबर। चलिए सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 98 का, दैट विल बी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 99th क्वेश्चन नंबर। चलिए सो 99th क्वेश्चन नंबर और आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी सही हैं, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से बेरबॉर्न लुम्बिनी सारनाथ, ठीक है, फर्स्ट एनलाइटमेंट सारनाथ भी फर्स्ट में दिया था, तो ए एंड सी होना चाहिए, निभाना कुशीनगर, तो ए एंड सी यानी 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है चलिए सो लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है अशोका के ऊपर। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर है 3 और इसी के साथ हमारा ये फोर्थ मॉक जो है ये ख़त्म होता है। ठीक है सो अनअकैडमी पे आप चाहें तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएगा और वो मेंटर आपको पूरी तरीके से गाइड करेगा, आपको बताएगा कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट रिसोर्स और बेस्ट तरीका, और आप उन सभी गलतियों से बच पाएंगे जो दूसरे स्टूडेंट करेंगे। ठीक है सेकेंड थिंग आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जिसमें आपको सारी क्लासेस, टेस्ट सीरीज और बाकी सब शेड्यूल स्ट्रक्चर प्रोवाइड होगा। ठीक है
और इन दोनों को पाने के लिए आप आलोक YT कोड, जो कि मेरा कोड है आलोक YT, इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी सब्सक्रिप्शन पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड लेट्स क्रैक इट।